everyone, this is Monica. Welcome to another video. So, कैसे आप सब लोग आए हो? आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे. So, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मीशो से 10 प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज किए हैं. कुछ मुझे बहुत पसंद आए हैं, कुछ मुझे पसंद नहीं भी आए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. उससे पहले मेक श्योर करेंगे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पे मैं हॉल वीडियोस, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस, ऑल्सो स्टाइलिंग वीडियोस अपलोड करती हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी है टच ऑफ गर्ल, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में. सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. मैंने परचेज किया ना गाइस, एक रिब्ड टॉप परचेज किया है जो कि है पिंक कलर का. अभी रिसेंटली इससे पहले एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें ये टॉप मैंने वेयर किया था एंड काफी से लोगों ने पूछा था कि ये टॉप आपने कहां से वेयर किया. तो ये मैंने मीशो से मतलब परचेज किया था. ऑल्सो गाइस ये एक्चुअली जो रिब्ड फैब्रिक होता है ना वो थोड़ा सा ऐसा नहीं होता ना कि सी थ्रू होता है, बट ये जो टॉप की जो क्वालिटी है ना ये काफ़ी थिन है. एंड मुझे एक्चुअल में इसका रिव्यू शेयर करना था इसलिए मैं आपके उस टाइम पे आपके लिंक नहीं शेयर कर पा रही थी. सो इसका जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा थिन है फैब्रिक एंड मुझे ऐसा लगा कि अगर आप ब्रा वगैरह वेयर कर रहे हैं ना तो वो बहुत ही ईजिली इसमें विजिबल हो रही थी, स्किन भी विजिबल हो रही थी. बिकॉज मैंने इसमें एक साइज लार्ज ऑर्डर किया है, मीन्स एल साइज ऑर्डर किया है. बिकॉज ऑलरेडी ये बॉडी हगिंग होता है तो मुझे इतना ज़्यादा बॉडी हगिंग पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने एक साइज लार्जर इसमें ऑर्डर किया. बट स्टिल ये गाइज ये जो है काफ़ी सी थ्रू सा फैब्रिक मुझे इसका लगा है. अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं. वैसे घर में रेगुलर वेयर के पर्पज से तो ठीक ही है, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि इसका फैब्रिक मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है. इसके साथ में गाइस जो मैंने पहना है वो है ये वाइट कलर का स्कर्ट. एंड ये स्कर्ट में इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन है, प्योर कॉटन फैब्रिक का है. और एक्चुअली ये प्योर कॉटन है इसलिए ये सी थ्रू है. तो मैंने अलग से इसमें वाइट कलर के शॉर्ट्स वेयर किए हुए हैं एंड वैसे ये बहुत कंफर्टेबल है समर के अकॉर्डिंग. इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. बट ये काफ़ी ज़्यादा सी थ्रू है गाइस, तो आप अगर अंदर नहीं पहनेंगे तो काम नहीं चलने वाला है. सो इसके अंदर आपको पहनना पड़ेगा कुछ ना कुछ इनर, अदरवाइज इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी है. प्योर कॉटन ये फैब्रिक का है. नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया ना गाइस वो है ये शर्ट. एंड ये शर्ट दिखने में मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, बट आजकल ना मुझे शर्ट वगैरह पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग गया है. सो ये जो शर्ट मैंने परचेज किया ना ये वैसे तो पॉलिएस्टर फैब्रिक की है और यहाँ पे इसमें कॉलर दी हुई है और ये बटन्स दिए हुए हैं जो कि ओपन हो जाते हैं. लूज फिट में है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, अच्छी लग रही थी वेयर करने के बाद. एंड फैब्रिक पॉलिएस्टर है. इसके साथ में जो मैंने वेयर की है वो है ये स्कर्ट. एंड इस स्कर्ट में ना ब्लू एंड रेड ब्लैक कलर के कुछ कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं, व्हाइट कलर के भी बने हुए हैं. तो इस स्कर्ट को आप किसी भी प्लेन टॉप के साथ वेयर कर सकते हैं. ये एक पेंसिल स्कर्ट है और यहाँ पे ना आप इसकी लेंथ को भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मीन्स ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. स्ट्रेचेबल है, मैंने इसमें एम साइज ऑर्डर किया था आई थिंक 30, बट ये पेंसिल स्कर्ट है एंड मेरा पियर शेप बॉडी है तो ये मुझे थोड़ी सी टाइट हो रही थी तो मैं एक साइज इसमें लार्जर भी ऑर्डर कर सकती हूँ. अगर आपका पियर शेप बॉडी या हैवी था इसका प्रॉब्लम है तो एक साइज इसमें लार्जर ऑर्डर करें, अदरवाइज ये पहनने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी. मैंने परचेज किया ना गाइस, वैसे तो वो मैंने अलग से परचेज किया है बट दो ही प्रोडक्ट्स थे तो मैंने सोचा इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर देती हूँ. ये एक ज्यूक का न्यूली लॉन्च स्लिंग बैग है एंड गाइस ज्यूक के प्रोडक्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं बिकॉज वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, ऑल्सो 100% वीगन प्रोडक्ट्स हैं. सो काफी अच्छे हैं, मेड इन इंडियन है. सो मुझे लगता है अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को भी है ना थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए. सो यहाँ पे ना इसका जो प्रिंट है ना वो काफी ज्यादा मुझे पसंद आया है. और ये इसमें ना जो स्लिंग बैग है ना ये इसलिए मुझे अच्छा लगा बिकॉज ये थोड़ा सा स्पेशियस है, आप आराम से इसमें मीन्स अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं सनग्लासेस वगैरह कुछ भी इसमें कैरी कर सकते हैं. क्वालिटी तो गाइस यूक के प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी होती है. इसमें डिफरेंट प्रिंट्स आपको मिल जाएंगे, एथनिक प्रिंट्स आप ट्राई कर सकते हैं. सबसे अच्छा जो मुझे लगा गाइस वो है इसमें ये ब्रॉड बेल्ट के साथ मिलेगा, यहाँ इस बेल्ट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं. सो ये मुझे काफ़ी पसंद आया तो इसको ट्राई कर सकते हैं. और भी अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि YT Monica 10, जिसको यूज़ करने से आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा. और नेक्स्ट मैंने इसी ब्रांड से परचेज किए हैं गाइस स्लाइडर्स. ओ माई गॉड ये इतने सुंदर लग रहे हैं बिकॉज ये जो उनके नॉर्मल स्लाइडर्स है ना वो उससे अलग है, ये न्यूली लॉन्च है. सो मुझे लगा ये तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना बनता ही है गाइस. बहुत ही सुपर डुपर कॉम्फी है. ऑल्सो यहाँ पे ना इसमें ये काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड बनाया हुआ है इस फुटवेयर को. कंफर्टेबल तो ये हमेशा से थे ही गाइस और ये एम्ब्रॉयडरी के साथ दिया है ना तो ये और भी अच्छा इसका लुक आ रहा है. तो मुझे स्लाइडर्स रिसेंटली ना बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं. तो ये भी इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है लेदर में एंड यहाँ बैक साइड में भी क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी आई है गाइस. तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, हाईली रेकमेंड. इसमें मेरा जो साइज़ है वो है 40
टी। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज किया है वो है ये येलो कलर का टॉप। एंड ये टॉप आई थिंक 200 रुपीज समथिंग में मैंने लिया होगा। एंड ये भी एक रिब्ड टॉप है कि जो क्वालिटी है ना गाइज इसमें वो थोड़ी सी हल्की लगी मुझे। वैसे तो टॉप पहनने में अच्छा लग रहा है बट अंदर से ना आपको इनर वेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज ना थोड़ा सा स्किन भी विजिबल इसमें हो रही थी। सो वैसे तो ये अच्छा लगा है मुझे। एंड इसमें जो साइज है वो है, मेरा साइज तो यहाँ पर मेंशन किया नहीं है बट मैंने एम साइज इसमें ऑर्डर किया था। एंड यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, आई थिंक वो शो पर्पस के लिए हैं, ओपन नहीं होते हैं। क्वालिटी ऑलमोस्ट ठीक है जिस प्राइस के अकॉर्डिंग है ये, सो उस अकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी आई। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया ना गाइज वो है ये स्कर्ट। एक्चुअली ये स्कर्ट के ऊपर ही मैंने ये टॉप को पहनने के लिए परचेज किया था। ये स्कर्ट भी पॉलिएस्टर फैब्रिक की है, इलास्टिक दी हुई है इसमें, प्रिंट इसका काफ़ी अच्छा है, बहुत ही समरी बीची वाइब आ रही थी। अगर आप ये दोनों को परचेज करते हैं ना तो एक अच्छा वाला मीन्स आपका पूरा कॉम्बो सेट बन जाएगा और वो भी बहुत ही ज़्यादा बजट में। अगर आप कोई भी वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। इसका भी फैब्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा गाइस सी थ्रू है तो अंदर से आपको इनर इसके साथ में भी वेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत, वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया ना गाइस वो है एक ये ड्रेस है। ये प्योर कॉटन फैब्रिक में नहीं है गाइस, कॉटन मिक्स फैब्रिक में है बट इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ मैंने 300 रुपीज समथिंग में ये परचेज की थी और इसमें ना काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा था। इसमें डिफरेंट कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर ये बेल्ट दी हुई है जिससे आप टाई कर सकते हैं, ये बेल्ट्स दी हुई है जिससे टाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी समरी वाइब आ रही थी इसको पहनने के बाद। सो घर में पहनना है कैजुअल पहनने के पर्पज से ना, अगर आप चाहते हैं तो ट्राई इसको कर सकते हैं, मुझे तो पसंद आई है। नेक्स्ट मैंने जो परचेज की है ना गाइज वो है ये एक टॉप। एंड ये पिंक कलर का लेस टॉप है, मुझे काफी अच्छा लग रहा था। ये बटन्स जो दिए हैं वो ओपन नहीं होते हैं, यहाँ पर लेस लगाई हुई है, पहनने के बाद इसका लुक अच्छा आ रहा था। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो में गाइज जो मैंने टॉप पहना हुआ है ये भी मैंने मीशो से ही परचेज किया था, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बिकॉज ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वैसे इसका फैब्रिक पॉलिएस्टर है बट ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आप कुछ बेज कलर के डेनिम्स वगैरह के साथ या फिर कार्गो के साथ इसको वेयर करेंगे तो काफी अच्छा लगने वाला है। बाहर बहुत ज्यादा शोर होने लगा था तो मुझे लगा ये बैग मैं आपके साथ वॉइस ओवर पे शेयर करती हूँ। सो ये मैंने बैग परचेज किया है 328 रुपीज में। एंड गाइस 328 रुपीज के अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा वर्थ माइंग ऑप्शन मुझे लगा है बिकॉज इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। किसी भी आउटफिट के साथ ये मैच हो जाएगा। ऑल्सो इसमें अननेसेसरी का कोई लोगो वगैरह भी मेंशन नहीं किया हुआ है, लगाया नहीं हुआ है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मींस प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी भी अच्छी है, ऑल्सो लुक भी काफ़ी इसका अच्छा आया है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। सो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो लाइक ज़रूर करिएगा। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज़।